A very good morning, students. Welcome to the TSN Senior Secondary School. Today we will read the chapter 13. It is the Aladdin and the Magic Lamp. Once upon a time, there was a widow. She had only one son whose name was Aladdin. They were very poor. एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब विधवा महिला थी और उनके एक पुत्र था जिसका नाम अलादीन था. ये लोग बहुत गरीब थे. अलादीन ट्राई टू अर्न सम मनी बाय कलेक्टिंग वायर विंग्स एंड द पेकिंग बनानास. अलादीन जो था वो पैसा कमाता था अंजीर और बनाना को बेचकर. वन डे अलादीन मेट अ वेल ड्रेस्ड स्ट्रेंजर हु आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन. एक दिन अलादीन जो है वो एक बहुत ही अजीब अजनबी व्यक्ति से मिला जिसने कि बहुत ही अच्छी तरीके की ड्रेस पहन रखी थी. डू यू लाइक टू अर्न अ सिल्वर कॉइन. उस व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या तुम एक चांदी का सिक्का पाना चाहोगे? अ सिल्वर कॉइन, एक्सक्लेम्ड अलादीन. सर, आई डिड डू एनीथिंग फॉर अ सिल्वर कॉइन. सिल्वर कॉइन का नाम सुनते ही अलादीन ने कहा कि सर, मैं सिल्वर कॉइन पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. सो जस्ट गो डाउन द मेन होल, सेड द मैन. आई एम टू बिग टू गेट डाउन द होल. इफ यू डू एज आई आस्क यू टू डू, यू शैल हैव योर रिवॉर्ड. तो उस अनजान अजनबी आदमी ने अलादीन को कहा कि तुम दुबले पतले हो, मेन होल में जा सकते हो, इसलिए प्लीज़ इस मेन होल में जाओ और इसके बदले में मैं तुम्हें इनाम के रूप में चांदी का सिक्का दूंगा. सिंस अलादीन वॉज लेम, ही वेंट डाउन द मेन होल इजिली. सून ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ लार्ज केव. ये सुनकर अलादीन चांदी का सिक्का पाने के लिए बहुत खुश था और वो उस मेन होल में चला जाता है क्योंकि वो बहुत ही पतला दुबला था. अब वहाँ मेन होल में जाकर उसे क्या दिखती है? गुफा दिखती है. द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ एन ओल्ड लैम्प शोन ऑन अ वंडरफुल साइट. पर्स ऑफ गोल्ड, ज्वेल्स एंड जेम्स वर ग्लिटरिंग. वहाँ पर एक बहुत पुराने सा लैम्प जल रहा था और उसकी रोशनी में उस गुफा में क्या क्या दिख रहा था? बहुत सारी ज्वेलरी दिख रही थी, अद्भुत चमकते हुए रत्न दिख रहे थे और बड़े बड़े पॉट्स ऑफ गोल्ड यानी कि सोने के बड़े बड़े से बर्तन दिख रहे थे. इट वॉज रियल ट्रेजर, एक अद्भुत खजाना था. अलादीन वॉज सरप्राइज टू सी ऑल दिस. अलादीन बहुत ही सरप्राइज था ये सब कुछ देख कर. हिज आइज वॉज अनएबल टू बिलीव इट. उसके जो आइज थी वो ये सब देख कर विश्वास नहीं कर रहे थे. उसे लग रहा था शायद ये एक सपना है. He was standing gazed when he heard a shout behind him. और उसको एक मतलब पीछे से आवाज़ सुनाई दी. Put off the flame of the lamp and bring me the lamp. ये जो lamp है इसकी बत्ती को बुझा दो और ये जो lamp आप लेकर आओ. That's very strange. So Aladdin, why should we want only the old lamp? तो अब अलादीन ने उस गुफा में क्या क्या देखा कि बहुत ही सारी ज्वेलरी पड़ी हुई थी और सोने के बर्तन पड़े थे और इतने चमकीले जो रत्न थे वो पड़े हुए थे. इतने वो तो देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसे एक पीछे से आवाज़ आई. वो आवाज़ किसकी थी? अजनबी की थी. पुट आउट द फ्लेम ऑफ द लैम्प एंड ब्रिंग मी द लैम्प. ये जो लैम्प है इसको बुझा दो और ये लैम्प मेरे पास लेकर आओ. दैट्स वेरी स्ट्रेंज, थॉट द अलादीन. व्हाई शुड वी वांट ओनली an old lamp and not all this gold. अलादीन को ये जानकर बहुत ही आश्चर्य फील हो रहा था कि भाई ये जो ये लैम्प ही क्यों लेना चाहता है, ये सारा खजाना क्यों नहीं लेना चाह रहा. हैंड ओवर द लैम्प, शाउटेड द मैन. आई विल लीव यू डाउन फॉर एवर इफ यू डोंट वॉन्ट ओबी. अब उसने बार बार अलादीन को कहा कि प्लीज़ मुझे लैम्प ला के दे दो, इसलिए मुझे मैंने तुम्हें भेजा है. लेकिन अलादीन उसके नहीं सुन रहा था तो वो अलादीन को कह रहा था कि प्लीज़ यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो मैं तुम्हें इस मेन हॉल में बंद कर दूंगा. लेट मी आउट फर्स्ट, सेड अलादीन. अलादीन ने कहा मुझे बाहर आने दो. ओके, डू वॉन्ट अंडर लिसन टू मी, सो स्टे योर सेल्फ, सेड द स्ट्रेंजर एंगरली. उस अजनबी ने गुस्से में कहा कि ठीक है तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, मुझे लैम्प नहीं दे रहे हो, तो तुम ठीक है नीचे रहो. स्लैमिंग डाउन द मेन हॉल कवर. और उसने ये कहकर गुस्से में जो मेन हॉल था उसको कवर कर दिया, उसको गुफा को बंद कर दिया. बट एज ही डिड सो अ रिंग slide off his finger, Aladdin was it and packed it up. Suddenly the cave was totally dark. Aladdin was terrified. अब वो मेन हॉल को बंद करके चल गया, कवर करके चला गया, गुफा बंद हो गई, गुफा में अंधेरा अंधेरा हो गया. अलादीन बहुत ज़्यादा डर चुका था. As he was terrified, he raised the ring round and round. अब जब अजनबी उसको मेन हॉल में बंद कर रहा था तो उसके
हाथ में से उसकी उंगली में से जो रिंग थी वो उस मेन हॉल में गिर गई थी और वो अलादीन ने उठा दी थी। अलादीन गुफा में अंधेरा देखकर बहुत डर चुका था और वो डर के मारे अपनी उंगली में उस रिंग को घुमाने लगा। सडनली द रूम वॉज फ्लूडेड विद अ फ्लैश ऑफ लाइट्स एंड द ग्रेट जन अपेयर्ड। अचानक उस रूम में अचानक एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से एक जिनी प्रकट हुआ। यस माई मास्टर आई एम एट योर कमांड सैड द जिनी। जिनी ने कहा हाँ मेरे मालिक आपका क्या आदेश है। अलादीन वाज सो सरप्राइज्ड दैट ही कुड ओनली स्टैमर आई वॉन्ट टू गो होम एंड इमीडिएटली ही वॉज बैक इन हिज ओन हाउस। अलादीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत ही आश्चर्य से कहता तो उसने अपने मुँह से कहा कि मुझे तो मेरे घर जाना है। और ये कहते ही अलादीन अपने घर पहुँच गया। वेयर हैव यू बीन अलादीन आस्क हिज मदर। उसकी मदर ने पूछा। अलादीन की जो माँ थी बेचारी विधवा माँ गरीब सी औरत, तो उन्होंने पूछा अलादीन तुम इतने टाइम कहाँ रहे। अलादीन टोल्ड हर ऑल अबाउट हिज एक्साइटिंग एडवेंचर एंड ऑल्सो शोड हर द ओल्ड लैम। अलादीन ने उसे सारी बातें बताई और उस ओल्ड लैम के बारे में बताया। वेल आई होप इट्स वर्क्स इट्स सो ओल्ड एंड डर्टी एंड सेइंग सो द बिगेन टू रब द लैम। तो अलादीन की माता ने कहा जरूर से ये भी कुछ काम करता होगा। और अलादीन ने अलादीन की जो माताश्री थी वो उसको साफ़ करने के लिए, वो लैम्प बहुत गंदा था ना, तो उस लैम्प को साफ करने के लिए उसे रगड़ने लगे। एंड फ्लैश ऑफ टाइम अनदर जिन अपेयर्ड। और जैसे ही साफ करने के लिए उस लैम्प को रगड़ा गया तो उसमें से एक दूसरा जिन प्रकट हो गया। यस माय मास्टर आई एम एट योर सर्विस टेल मी योर विशेस एंड दे विल बी फुलफिल्ड द जिनी बोइंग रिस्पेक्टफुली द बॉय एंड हिज मदर स्टार्टेड एट हिम विदाउट अटरिंग अ वर्ड। आई एम योर ओबीडियंस सर्वेंट टेल मी व्हाट यू वांट रिपीटेड द जिनी। उस जिनी ने सर झुकाते हुए कहा कि मैं आपका सेवक हूँ, आपकी जो भी आज्ञा होगी उसका मैं पालन करूँगा, अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। अलादीन सर सॉफ्टली ब्रिंग अस अ लवली मील। अलादीन ने सॉफ्टली कहा कि हमारे लिए एक अच्छा सा भोजन ले आइए। एंड फ्रॉम दैट द पुअर डेज व ओवर उसी दिन से उनके गरीबी के दिन खत्म हो गए। अलादीन एंड हिज मदर हैड एवरीथिंग दे कुड विश फॉर फूड क्लॉथ्स फाइन होम एंड ऑल थिंग। अलादीन और उसके माता जी के पास में आज वो सारी चीज़ें थी जो कि वो पाना चाहते थे। अच्छा खाना था, अच्छा कपड़ा था और रहने को अच्छा मकान था। द जिन ग्रांटेड देम एवरीथिंग दे आस्क फॉर द टाइम वाज हैप्पीली। अलादीन ग्रो इनटू अ टॉल हैंडसम एंड यंग मैन एंड हिज मदर felt that it was time to get him a wife. अब उनके लिए बहुत ही खुशी का ये समय था। अलादीन और उसकी माता जी बहुत खुश थे। धीरे धीरे अलादीन बड़ा हो गया और एक हष्ट पुष्ट युवक के समान हो गया। अब उसकी माता जी जो थी, मतलब उसकी जो मम्मी थी, वो उनकी शादी करना चाहती थी और एक सुंदर सी वाइफ लाना चाहती थी। वन डे अलादीन सॉ अ सुल्तान्स डॉटर हलीमा। शी वॉज सो ब्यूटिफुल दैट ही फेल इन लव विद हर। एक दिन उसने सुल्तान की बेटी को देखा, हलीमा को, और उसको देखकर वह उसके प्रेम में पड़ गया। अलादीन को हलीमा से प्यार हो गया। आई विल गो एंड आस्क द सुल्तान फॉर हिज डॉटर्स हैंड एंड सेड हिज मदर व्हेन ही टोल्ड हर अबाउट इट। और अलादीन ने अपनी माता जी से कहा कि मुझे सुल्तान की बेटी से शादी करनी है, तो उसके लिए आप चलिए। शी अराइव एट द पैलेस विद पॉट्स फुल ऑफ द डायमंड्स फॉर द सुल्तान। बट द सुल्तान सैड इफ अलादीन वॉन्ट्स टू मैरी हलीमा ही मस्ट सेंड मी 50 स्लैब ईच कैरिंग अ बॉक्स ऑफ प्राइजस स्टोन्स। ऑल्सो ही मस्ट बिल्ड अ स्प्लेंडेड पैलेस फॉर हर शी इज नॉट यूज टू लिविंग इन अ स्मॉल हाउस। अलादीन ने सुल्तान से उसकी बेटी का हाथ मांगा तो सुल्तान, जबकि बहुत अमीर था, उसके बहुत खजाना पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी सुल्तान ने डिमांड की कि यदि वो हलीमा से शादी करना चाहता है तो उसे 50 ऐसे सेवक देने पड़ेंगे जो कि बॉक्स लिए हुए आएंगे जो कि प्राइजस स्टोन्स के होंगे, यानी कि कीमती मूल्यवान जो हीरे हैं या कीमती जो पत्थर हैं वो उसे उनके 50 बॉक्स देने पड़ेंगे 50 सेवकों के साथ में। ऑल्सो ही मस्ट बिल्ड अ स्प्लेंडेड महल। और उसकी बेटी के लिए महल बनाना पड़ेगा क्योंकि उसकी बेटी को छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। व्हेन अलादीन हियर द डिमांड द ओल्ड जिनी ऑफ द लैम्प अबाउट द सुल्तान डिमांड्स एंड जिनी क्लैप्ड हिज हैंड एंड इंस्टेंट द 50 स्लैब्स द बॉक्स ऑफ द ज्वेल्स एंड द प्लेस द पेयर। जैसे ही
अलादीन ने जिनी को ये सब करने के लिए कहा, जिनी ने एक ताली बजाई और सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे कि सुल्तान ने चाहा था। एक शानदार महल भी बन गया और वो ज्वेल्स के बॉक्स भी आ गए जो कि सुल्तान ने 50 बॉक्स के डिमांड की थी, वो सब अलादीन ने उसको दे दिए। द वेडिंग टुक पैलेस विद लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन, और उस शानदार महल में अलादीन की बहुत ही शानदार सी शादी हुई। फिर ऑल दिस अलादीन बिकम अ वेरी फेमस, और इसके बाद तो अलादीन बहुत ही फेमस हो गया था। एवरीवन हियर ऑफ द वेल्थ एंड द फॉर्चून, द स्ट्रेंजर आल्सो हियर अबाउट इट। He dressed all the merchants come to the Aladdin house. He called to the princess old lamp for new. अच्छा, अब अलादीन के बारे में सारी तरफ यश फैल गया था, प्रसिद्धि हो गई थी, सब अलादीन के बारे में सबको पता था। एक दिन a stranger also heard about it. वो जो स्ट्रेंजर था उसने भी उस अलादीन के बारे में सुन लिया था, और जो स्ट्रेंजर था वो एक व्यापारी की का वेश बदलकर अलादीन के घर पर आया और उसने जोर जोर से आवाज़ लगाना शुरू किया कि पुराने लैंप के बदले में न्यू लैंप ले लो, पुराने लैंप के बदले में न्यू लैंप ले लो। मतलब जो वो स्ट्रेंजर था उसको वो पुराना लैंप चाहिए था जिसमें से कि जिनी आता था। तो वो क्या हुआ, उसके घर गया अलादीन के महल के बाहर, वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि पुराने लैंप के बदले में न्यू लैंप ले लो। अलादीन हैड नेवर टोल्ड हलीमा टू सीक्रेट ऑफ द लैंप, अलादीन ने अपनी पत्नी हलीमा को उस लैंप के सीक्रेट के बारे में नहीं बताया था। एंड अनोइंगली द प्रिंसेस पैज अ ओल्ड लैंप एंड गेव इट टू अ मर्चेंट टू एक्सचेंज फॉर न्यू वन। तो इसलिए जो राजकुमारी थी, जो प्रिंसेस थी, उन्होंने क्या सोचा कि भाई मैं पुराने लैंप के बदले में नया लैंप ले लेती हूँ। शी एक्चुअली वॉन्टेड सरप्राइज अलादीन। द मर्चेंट क्विकली बिगेन टू रब द लैंप एंड द जिनी वॉज नाउ एट द सर्विस ऑफ द विकेंड मैन हु हैड द मैजिक लैम्प बैग। अब जो व्यापारी था, जो चाहता था वही हुआ, उसे वो पुराना लैम्प मिल गया। इन नो टाइम ही डिस्कस अवे ऑल द लाजिंस प्रोसेस एंड सेंड द पैलेस एंड द प्रिंस टू एन अननोन लैंड। अब उसने जो सब कुछ अलादीन के पास था वो छीन लिया, मतलब उसको वो जो अजनबी था उसको वो लैम्प मिल गया और उसने अलादीन के पास जो भी था वो छीन लिया। इवन जो उसके राजकुमारी थी उसको भी किसी अनजान जगह भेज दिया और उस महल को भी गायब कर दिया। नो बडी न्यू व्हाट इज हैपन। अलादीन एंड सुल्तान वर वेरी वरीड बट वेयर एट देयर वॉज विट्स इन एंड। कोई नहीं जानता था कि अचानक से क्या हुआ, सब कुछ कैसे गायब हो गया। देन अलादीन रिमेंबर द जिनी ऑफ द रिंग। अब अलादीन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सुल्तान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ कहाँ गायब हो गया, क्या हो गया। लेकिन अलादीन ने जब अपनी याददाश्त पर जोर दिया तो उसे वो जिन याद आया। सो ही रब द रिंग एंड इमीडिएटली द जिनी अपीयर्ड बिफोर हिम। उसने जो अपनी अंगूठी हाथ में पहनी हुई थी उसको रब किया तो उसमें से जिन निकला। टेक मी टू द पैलेस वेयर द विक्ड मैन हैज हिडन माय वाइफ। उसने जो अंगूठी में से जिन निकला उसको बोला कि मुझे उस महल में ले चलो जहाँ की उस बुरे आदमी ने मेरी वाइफ को रखा। ही ऑर्डर द जिनी इन अ सेकेंड आई फाउंड हिमसेल्फ इनसाइड द ओन प्लेस पैलेस एंड एडेड अ पावरफुल क्वांटिटी इनटू द विकेंड मैन ट्री। अब जैसे ही जिनी को उसने कहा तो अंगूठी वाले जिनी ने उसे उस महल में पहुँचा दिया, और अलादीन ने क्या किया, जो वो बुरा आदमी था उसकी चाय में एक पाउडर मिला दिया। एज सून एज ही सिप्ड द टी ही फेल इनटू अ डीप स्लीप। जैसे ही उस बुरे आदमी ने वो चाय पी तो वो एक गहरी नींद में सो गया। अलादीन फाउंड अ लैम्प एंड रब्ड इट क्विकली। अलादीन ने उस लैम्प को, पुराने लैम्प को ढूंढा और उसे क्विकली यानी कि जल्दी से रब किया। यस मास्टर आई एम योर कमांड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो जिनी ने कहा कि हाँ मालिक, मुझे क्या करना है, क्या आदेश है। पुट द वीगन मैन इन द चेन एंड सेंड हिम फॉर अवे वेयर ही विल नेवर बी फाउंड अगेन द जिनी दैट एज ही वॉज ऑर्डर टू डू। उसने जिनी से कहा कि इस बुरे आदमी को जंजीरों में बांध दो और ऐसी जगह पहुंचा दो जहां से कभी ना आ सके। जिनी ने वैसा ही किया। एंड सो ही विग्ड मैन वैनिश्ड। अब ये जो विग्ड मैन था वो ख़त्म हो चुका था। नाउ अलादीन सैड टेक माई वाइफ एंड मी एट द पैलेस बैक होम। अब मेरी पत्नी को और मुझे मेरे महल में ले चलो। एज यू ऑर्डर सर, रिप्लाइड द जिनी। एंड सो इन द फ्लैश द पैलेस रोज इनटू द एयर एंड स्पैंड ओवर द सुल्तान्स किंगडम। इट जेंटली कम डाउन द अर्थ एंड लैंडेड ऑन इट्स साइड एंड देयरफॉर अलादीन एंड हलीमा लिव्ड हैप्पीली।
अब वो जो महल था वापस उसी जगह पहुंच गया जहां पर कि वो था, और वो सुल्तान के पास पहुंच गए। अब जो अलादीन और उसकी पत्नी थी वो खुशी खुशी रहने लगे। तो एक अलादीन की बहुत अच्छी सी कहानी थी जिसे हमने पढ़ा, और बहुत इंटरेस्टिंग थी, पढ़ने में मज़ा आया मुझे तो, और आपको भी सुनने में मज़ा आया होगा। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF में दे दिए जाएंगे, जो प्लीज़ टाइम टू टाइम अपना वर्क कर लीजिए। थैंक यू सो मच।